नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लोकसभा चुनावों के इस दौर में इस बार एक बार फिर क्या सरकार बदल पाएगी, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। 6 चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं और अब 7वां चरण ज्यादा दूर नहीं है। 19 मई को 7वें चरण के मतदान होंगे और 23 मई को मतगणना होगी और उसके बाद ये पता लगेगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। अब सवाल यह है कि क्या इस बार जो दिल्ली का समीकरण है वो क्या देश का मिजाज बदल पाएगा। हालांकि अगर इतिहास पर आप नजर डालें तो इतिहास में जो दिल्ली का मिजाज होता है कम से कम मिलता जुलता देश का मिजाज भी वही होता है, चाहे आप 2014 की बात कर लें, 1987 की बात कर लें या उससे पहले की बात कर लें। तो दिल्ली की सोच क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। सवाल यह है कि इस बार दिल्ली में जो मतदान प्रतिशत है उसमें गिरावट क्यों आई। क्या लोग आम आदमी पार्टी से नाराज हैं? क्या लोग अपने सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उस सांसद थे उनसे नाराज थे, या फिर क्या लोग कांग्रेस पार्टी से नाराज थे? फिलहाल जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह की राजनीति हमने इस बार लोकसभा चुनावों में देखी, विकास के मुद्दों पर बहुत कम बात हुई, लोगों के मुद्दों पर बहुत कम बात हुई, चाहे वो दिल्ली के लोग हों या फिर दिल्ली के बाहर के लोग। अब दिल्ली में यह भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में काफी ज्यादा वोटिंग हुई, होनी भी चाहिए क्योंकि आपके जो बेहतर लीडर थे, आप जिनको जिताना चाहता है उनको जिताए। यहाँ पर चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली और पूर्वी उत्तर दिल्ली, बड़ी बात यह है यहाँ पर भी एक जमकर वोटिंग हुई है। वहीं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली यानी कि पश्चिमी दिल्ली में भी जमकर वोटिंग हुई है। लेकिन उसके बावजूद अगर प्रतिशत गिरा है तो ये बात तय है कि लोगों का भरोसा जो है वो नेताओं पर से कम हुआ है। अब ये बात है कि पिछले जब 2014 के चुनाव थे उस दौरान 65.2% मतदान हुए थे और अब करीब 60% मतदान। जाहिर तौर पर अगर 5% का इजाफा हुआ है, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट माना जाता रहा है राजनीतिक जानकारों का कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत घटता है तो क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा, क्या आम आदमी पार्टी को इससे फायदा होगा या फिर कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा होगा? क्योंकि 7 सीटें 2014 में बीजेपी ने तो जीत ली थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने छक्का मार दिया था और उसके बाद बीजेपी को बता दिया था कि भैया दिल्ली के असली राजा हम हैं। अब देखना है कि दिल्ली का ये मिजाज क्या पूरे देश का मिजाज बदल पाता है, क्या दिल्ली की 7 सीटों में इस बार आम आदमी पार्टी बाजी मारेगी या फिर बीजेपी एक बार दोबारा आएगी या फिर कांग्रेस दोबारा आएगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश में हम राजनीति का एक अलग माहौल देख रहे हैं, युवाओं में जोश देख रहे हैं, इस बार वाकई में कुछ अलग होने वाला है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एनपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।